अलक्कूम वरहमल्ला मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरे एक आ, मेरे बच्चे हैं मेरे एक बच्चे जो है वो बारह साल के हैं और मैं एक ऐसी देश में हूँ जहाँ इस्लाम और परदे को सही नहीं मानते मतलब आ, पसंद कम करते हैं कुछ लोग पसंद तो करते हैं कुछ लोग नहीं करते तो मुझे बच्चों को ड्रॉप करना होता है पिक करना होता है तो कुछ लोगों को वहां के स्टूडेंट जो है उन लोगों को अच्छा नहीं लगता कुछ 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 को सो so, मेरे बच्चों को वो जहन में बुरा लगता है तो वो मतलब मेरे साथ दूसरों के सामने जाने से मतलब उसको अच्छा नहीं लगता वो हैड हो जाते हैं छुप जाते हैं बारह साल का एक बेटा और इस तरह माँ से माँ के साथ इस तरह हरकत करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता और सबसे बड़ी बात यह है इस्लाम इस्लाम जो है वो तो सच्चा दीन है मैं उनको मतलब बच्चों को समझाने की कोशिश करती हूँ तो अगर सच्चा दीन है सबको अगर बोल भी दो तो कौन यकीन करेगा यही सवाल उठाते है तो मतलब ये है कैसे मैं उसको समझाऊ सम्झाओ, हर इंसान तो जी, जी, जैसे नहीं जी है आ, कुछ जुमले शुरू में मैं समझ नहीं सका ये किस, का, क्या काम करने के बारे में उन्होंने पूछा ये सिंगल मदर है, करने जाते है लेने जाते हैं तो हाँ स्कूल हा, तो दूसरे बच्चों को मतलब अच्छा नहीं लगता है और बच्चों को इनके बच्चों को भी खुद जो है अच्छा नहीं लगता है तो बच्चे जो है छुपने लगते हैं और जो है मतलब माँ से रवैया थोड़ा सा सही नहीं है तो उस हिस्से का सवाल है कि मैं कैसे उनको समझाऊ कैसे उनको बताओ देखिए बहन आप अपने बच्चों पर बच्चों की तरबियत सबसे ज्यादा उनके अपने घर में होती है उनकी अपनी माँ करती है लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत सारी चीजें वो स्कूल में भी अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी सीखते हैं तो अगर हो सकता है वहां पे ऐसा माहौल ना हो कि माए अपने बच्चों को छोड़ने आती हूँ तो इसकी वजह से वो शर्म महसूस करते होंगे इसका हल ये है कि आप बच्चों को घर में संजीदगी के साथ समझाएं और उनको बताएं कि माँ का घर से निकलना या स्कूल में बच्चों को छोड़ना ये कोई ऐब की बात नहीं है ऐब की बात ये है कि माँ अपने बच्चों के तई लापरवाह हो जाए ऐब की बात यह है कि माँ अपने बच्चों को जब छोड़ने जाए तो बेपरदगी के साथ जाए अगर इज्जत इसमत और इफ्फत और हशमत के साथ कोई माँ अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है तो एक तो अपने बच्चों का ख्याल रख रही है दूसरा उसके ऊपर शरीयत की जानिब से जो पाबंदियां हैं जो अल्लाह के अहकाम है उन पर भी अमल कर रही है तो वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है तो आप बच्चों को समझाइए कि बेटा ये कोई गलत चीज नहीं है गलत ये है कि मैं बेपर्दा होकर के जाऊं लोगों के सामने गलत ये है कि मैं तुम लोगों को ऐसे ही तना छोड़ दूं तो मैं तुम लोगों की केयर कर रही हूँ ख्याल कर रही हूँ और मैं पर्दे के साथ स्कूल जाती हूँ छोड़ने इसमें कोई ऐप की बात नहीं है अब अगर कोई आदमी शरीय की पाबंदी करते हुए जिंदगी गुजार रहा है और उसके बावजूद भी लोग उस पर एतराज करें हंसे तो हंसने दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे तो आप इस तरह से बच्चों के साथ आ घर के अंदर एक अच्छे माहौल में बच्चों को समझाएंगे तो इनशाला वो समझेंगे बहुत कोशिश कर रही हूँ इस बात के वो समझ नहीं रहा वो छुप जाता है मतलब रखते अल्लाह की खौफ से तो नहीं पता लेकिन मुझे डर के रख रहा होगा लेकिन जब मैं उसको पिक करने जाती हूँ वो पैदल चल के आने की कोशिश करता है बहुत दूर का रास्ता है तो मैं बोलती हूँ मैं भी रोजे में हूँ फिर भी मैं ख्याल रख रही हूँ तुम्हारे लिए तुम मत आओ क्योंकि वो मुझे मना इसलिए कर रहा है मेरे ख्याल मेरे ख्याल रखने के लिए मना नहीं कर रहा वो वो बोल इसलिए रहा क्योंकि क्योंकि मेरे साथ उसके साथ उसके मुझे ना देखे मैं पर्दे में हूँ लोग पसंद नहीं करते तो उसको भी लोग ये बोले कि तुम्हारे माँ ऐसी है ऐसी है उसको इस बात का खौफ है इसलिए ये मुझे मना करते है मेरे ख्याल से मेरे लिए नहीं कर रहा और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ शेख मैं मैं कैसे बताऊं बच्चों के लिए मैं ये जिंदगी ऐसे कर रही हूं कि इस हालत में तो बच्चे मेरे बात सुन नहीं रहे और क्या कैसे करूं मैं मुझे समझ नहीं आ रही है देखिए क्या बच्चा इसलिए शर्म महसूस करता है कि आप पर्दे में जाती हैं जी, या आपका जी, जा, जी, जाने से जी, महसूस करता है जी पर्दे में मैं वहां जाती हूं लोगों को पसंद नहीं है तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता यानी पर्दा नहीं पसंद है लोगों को हाँ 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 जी हाँ जी ये तो फिर ये तो बहुत बहुत ही मतलब अफसोसनाक बात है कि बच्चा अपनी माँ को पर्दे में देख करके शर्म महसूस कर रहा है जी मतलब किसी अच्छी चीज पर वो शर्म महसूस कर रहा है और अगर आप बेपर्दा जाती तो उसको कोई एतराज नहीं होता आप देखिए आप जी। मैनेज कीजिए हो सकता है आप समझाते रहिए थोड़ा सा बड़ा होगा तो समझ जाएगा और कोशिश कीजिए जैसे बारह साल का हो गया है तो अब अगर स्कूल जा सकता है तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा इग्नोर ही करें उसको तनहा छोड़ें जाने दीजिए लेकिन जब वो घर में आए तो आप उसकी तरबियत अच्छे से कीजिए आप बताइए कि मेरी इज्जत तुम्हारी माँ की इज्जत इसी में है कि मैं पर्दे में रहूं और तुमको पर्दे से शर्माने की जरूरत नहीं है शर्माना तो उनको चाहिए जो बेपर्दा होती है जो पर्दे में है वो कहे कहे को कह, शर्माए कह तो बहरहाल आप मैनेज कीजिए और कोशिश कीजिए कि बहुत ज्यादा टकराव वाला माहौल क्योंकि बच्चे जो टीन एजर होते हैं इस उम्र में तो फिर वो बगावत पर और जो है इस तरह की चीजों पर वो उतर आते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो वाली कैफियत ना पैदा होने पाए आप मैनेज कीजिए हो सकता है थोड़ा बड़ा हो तो धीरे धीरे वो समझ जाए इंशाल्लाह ठीक है जी वो, वो कहते हैं कि मतलब मुझे आपके पर्दे से कोई मसला नहीं है तो बस वहाँ उन लोगों को पसंद नहीं है इसलिए मुझे मसला है लोग आपके साथ आ, मुझे देखिए बहन दे, एक एक बात मैं और बताऊं आपको अगर अगर बच्चे की ये जहनीय बन रही है तो इसका मतलब उसके स्कूल का माहौल अच्छा नहीं है जी। अगर जाहिर है बच्चा अपनी माँ के पर्दे से शर्मिंदा हो रहा है तो इसका मतलब वहां का माहौल बहुत ही आ, मतलब अच्छा नहीं है खराब है आप कोशिश कीजिए उसका माहौल भी चेंज कीजिए अगर उस स्कूल का ऐसा माहौल है तो ऐसे स्कूल में पढ़ के वो बच्चा क्या बनेगा आप खुद सोचिए तालीम किस लिए है तालीम क्या इसलिए है कि अपनी माँ को बेपर्दा देखना चाहे बच्चा तालीम इसलिए तो नहीं है इससे बेहतर तो है कि वो जाए ले जाए तो आप पहले उसका भी जायजा लीजिए कि उसके स्कूल का माहौल कैसा है ऐसा माहौल जो उसको बेगैरती की तरफ ले जा रहा है कोई बच्चा कैसे कह सकता है अपनी माँ को कि आपके पर्दे से मुझे शर्म आती है तो उस स्कूल का भी आप जायजा लीजिए उस पर नजरसानी कीजिए आप वहां से भी उसको निकाल सकती हैं